नया है, हमारा जन्म नया है, दिया है तूने आत्म चोला, कैसे ऋण ये चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। ओ भोले साथिया तूने भी दिया अपना रंग है, अपना बनाने का ढंग है। ओ भोले साथिया तूने भी दिया अपना रंग है, अपना बनाने का ढंग है। तेरी दया पर हम इतराए, पाई खुशी लुटाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। तेरी दया पर हम इतराए, पाई खुशी लुटाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तूने आत्म चोला, कैसे ऋण चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। ओ भोले साथिया तू तो जड़ भी है और चेतन भी, सृष्टि नहीं तू अन्य है। ओ भोले साथिया तू तो जड़ भी है और चेतन भी, सृष्टि नहीं तू अन्य है। बनके घटाए तू फिर आए, अमृत रस बरसाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। बनके घटाए तू फिर आए, अमृत रस बरसाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तूने आत्म चोला, कैसे ऋण चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। ओ भोले साथिया तू तो निराला, जग में संत है, तेरी महिमा का नहीं अंत है। ओ भोले साथिया तू तो निराला, जग में संत है, तेरी महिमा का नहीं अंत है। अब तो हमको दुख न सताए, माया शोक मनाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। अब तो हमको दुख न सताए, माया शोक मनाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तूने आत्म चोला, कैसे ऋण ये चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। भोले साथिया तू तो निराला, जग में संत है, तेरी महिमा का नहीं अंत है। ओ भोले साथिया तू तो निराला, जग में संत है, तेरी महिमा का नहीं अंत है। अब तो हमको दुख न सताए, माया शोक मनाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। जी तो हमको दुख न सताए, माया शोक मनाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तूने आत्म चोला, कैसे ऋण चुकाए, हमारा जन्म नया है।
हमारा जन्म नया है, गुरु ने नया जन्म लिया आत्मा का। बोले अब देह में आता है कुछ तो स्थितियां आती है, मन चिंता कराता था, अब कोई चिंता होती नहीं। माया अपने आप लौट जाती, आई थी सताने के लिए, दुख देने के लिए, डराने के लिए, डरा ही नहीं तो अपने आप लौट गई। कितना डर है, कोई बच्चा है या कोई भी हमें डराता है, कैसे पिक्चर में दिखाते हैं भूत बन बन के डराते, ये करके डराते, वो करके डराते, तो जब वो डरता नहीं तो खुद ही शोक मनाए, जो काम के लिए गए थे उसने हुआ नहीं, ये डरा नहीं तो लौट गए। अपने आप सब स्थितियां लौट जाती, जो आती हैं वो जाती, कुछ भी ठहरने वाला नहीं। ना वो फंसा सकती है माया, बहुत अच्छा दे दे के लुभा ले वो भी नहीं हो सकता, बहुत खराब दे के डरा दे भगवान के पथ से हट जाए वो भी नहीं होगा, बहुत लुभा ले वो भी नहीं होगा, ये पथ आगे बढ़ता ही जाएगा, पहुँचता ही जाए। पर कहाँ जाना है, अंदर ही तो जाना है, अंदर ही तो समाना, अपने आप में समाना। ब्रह्म आनंद कहाँ है, भीतर विषयों में थोड़े, बाहर का कितना भी मन माना होता जाए उससे कहीं मन भरता थोड़ी। हर हाल में आप शांत रह सके ऐसी कला गुरु ने सिखाई, हर हाल में शांत रहना, मन को कंट्रोल कर सके, हर हाल में अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना, कहे कैसा भी बाहर कैसा है, आंधी है तूफान है, हमें उसमें तो बच के चलना, संभल संभल के चलना। नित्य इसके लिए अभ्यास होता है, नित्य वैराग्य ये सबको मालूम है, सबके पास आता है, तो जो अब सबका हो रहा है तो कहते नहीं ये बड़ा हो गया हम नहीं बड़े हुए, ये ऐसा हो इसको मिल गया हमें नहीं मिला, तो ऐसे दुख भी जो कि दूसरे को आते वो तो हमें भी तो आएंगे, स्थितियाँ जिसे दुख कहते हैं वो क्या हमको नहीं आएंगे, लेकिन उस पर बसता कौन है, सुख और दुख दोनों ज्ञान के आत्म ज्ञान के द्वारा वो मस्त रहता है अपने आप में, प्रेमी कौन मस्त अपने आप में रहते, भगवान का प्रेमी अपने आप में मस्त रहता है, बाहर से सारे काम होते हुए अकेला है उसका, परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं कुछ, जहां भी डालेगा भगवत भाव से ही वो सब काम करेगा, देह निमित्त मात्र भगवत भगवान है भगवान। कल आनंद चला गया, क्यों चला गया, ज्ञान तो बार बार वही चलेगा जो जरूरत है, कहे गया क्यों चला गया, अभी कहीं जाना तो था नहीं, कोई ड्यूटी का समय नहीं था, ये जो ज्ञान चलता है किसी के लिए, सबके मन के लिए, किसी पे बोला नहीं जाता है और सबके मन के लिए होता है, जो जो जरूरत होगी वही बार बार निकलेगा, बार बार वही निकलेगा, अब कुछ भी बुद्धि से चलाना चाहे वो नहीं चलेगा, अचानक जो निकलना होगा जो हमारे हित में होगा निकलेगा, कुछ चलाने चाहे अपनी चाल नहीं चलेगी, मन की दाल वहां नहीं गलेगी, हनुमान चुटकी तेरे माथे पे बेटा तलवार लटकी बजाए जा तो प्यारे हन, तेरे थोड़ी देर निकाला तो क्या, तेरा थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या, तूने जानी नहीं लीला अभी नेटवर्क है, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, भगवान की लीला को देखना होता है ना, भगवान की कैसी लीला देखो, ये देखते हैं कितने सीरियल आते हैं उसमें शिक्षा लो तो हर समय शिक्षा ही तो है, चाहे कोई कहानी देखो उसमें भी शिक्षा है, हम लोग कहानी को वैसे शिक्षा लेने के लिए नहीं देखते, हम उसमें से रस लेते हैं, उसमें से शिक्षा किसी बात से नहीं, इसे जीवन में ये कर्म आते हैं उल्टे सीधे ये वो, तब उसे शिक्षा ले जाते हैं,
दूसरों से शिक्षा ली फिर अपने ऊपर आएगा, तो आप भी वैसे ही सुख दुख दोनों में आप कैसे उपराम रहेंगे, दोनों में कैसे अपना बचाव करेंगे, मन इसमें आसक्त ना हो, न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी, आनंद में रहे, आनंद ही आनंद है। गुरु से संबंध है तो आनंद ही आनंद है, मन से है बुद्धि से है तो फिर वहां तो डर भय चिंता यही शोक है। उपराम हो, ऊपर उठो, देह बुद्धि से ऊपर उठो, आनंद मनाओ, सब में भगवान का दर्शन करो, अच्छे अच्छे भाव डालो, अच्छा अच्छा भाव डाल के अपने कर्तव्य पालन में डटने के लिए है। उसके लिए ये पढ़ाई यहाँ होती, ताकत मिलती है, रोज रोज ये कैसे मोबाइल चलाते हैं, रोज भरा जाता है, ऐसे रोज हमारे मन इंद्रियों से खर्च होता है, रोज ही ये ज्ञान हमें लेना पड़ता है, सत्संग में जाके ये चार्ज होता है, सत्संग चार्ज करने की जगह है। हाँ, चार्जिंग होती, नहीं तो अमल नहीं कर पाओगे, तो अमल करने में मुश्किल पड़ जाएगी, नित अभ्यास नित्य रहा, मन देखो वो होने लगता है ना, अपना रूप दिखाने लगता है, बहुत मैं समय को गंवाना नहीं, सार्थक करना, समय को न यूं ही गंवाना, एक श्वास भी हमारे बेकार में न चली जाए, अभ्यास में जाए, इसे सच मान के, दुख की उल्टी स्थिति को दुख मान के उसी का चिंतन कराएगा मन, इधर देखो उल्टी स्थिति में अभी भी दिमाग में दूसरे को खराब रखे रहेगा, खराब नहीं रखो, खेल है, भगवान है, उसी में निकालना आ जाए, जैसा तुम्हारा है वैसे निकालो, कहीं उल्टी ना आए तो कैसे तुम्हें पता चले मेरे अंदर क्या खराबी है, ऐसा ना आए, आसक्त हैं हम, ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी बातें ना आए, तुम्हारा था क्या जो लाए, क्या थे, नंगे आए थे, जो किसी ने दिया हमने बना लिया, मेरा मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम, काम ना करो ऐसा नहीं कह रहे, पहले जब कहा जाए तो सीखो ना, बाद में कहो हमें बताया ही नहीं, हमने जाना नहीं तो तुम जानो, नहीं लाए तो आई का है, कुछ ना करो, चुपचाप बैठो, सफाई देने आ गए, सफाई के लिए समझ गए, सफाई मनुष्य देगा अपने, कभी भी पिएगा नहीं, हम पी जाए, मन पता नहीं क्यों अपने को ठीक मानना चाहता है, क्या पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई पूरी हो गई है क्या, पूर्णानंद है, सब करके सबसे अलग रहना, सब में होके सबसे अलग अपने वृत्ति को रखना, और सबसे अलग होके सब में परमात्मा का दर्शन करना, सब में एक ही परमात्मा, सब शरीरों से खेल खेल रहा है, खिला रहा है, आप ही खेल खिलाड़ी मोहन, आप ही नाच नचा रहा, खुद ही जाल बिछाया है, खुद ही नाच नचा रहा है, खुद ही निकालने का काम करता है, खुद ही खेल है, खेल की तरह शरीर खिलौना, हम सब शरीर खेल खिलौने हैं उसके, खेल रहा करता है,
उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार। अब माया का प्यार से चमकाना चाहते हैं, कभी न चमकेगा। उसकी ज्योति से चम, वो तो ज्योति हर समय जल रही है, इसी से मंद पड़ जाती है, आड़ आ जाती है। देह भाव मैं मेरा, कितने विचार दिमाग में आ जाते हैं। जिसके हाथ में सब सौंप दिया उससे फिर हम उस पर अविश्वास करते हैं, जो हमारे काम आ रहा है उस पर अविश्वास करते हैं। ना समझ है, हाँ ये है कि समझा दे, दिमाग सुलझ जाए। समझाने के लिए है, समझने के लिए, समझो तो सही। कोई काम के तरीके से करो नहीं और फिर आफत है। मन मति से नहीं चला जाता, यहाँ गुरु मति से चला जाता है। मन मति से चलना हो तो मन तो हमारे तो बचपन से चल रहे हैं, मन मति से कहाँ शांति पाए। चाहे जितने में हो जाओ, गुरु का ही ज्ञान से अपने मन को बनाना पड़ेगा हर एक को। चाहे हमारे को शरीर है तब तक, चाहे तुम्हारा शरीर, बनाना ही बनाना। गहराई में देखो कितने कितने विचार आते हैं। कहा जाता है हनुमान की गाय जाती ना, और देवता चित्त न धरे हनुमान से ही सर्व सुख करे, और देवता चित्त न धरे हनुमान से ही सर्व सुख करे। किसी देवता को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, बोले हनुमान से ही सब हो। कैसे है हनुमान चालीसा, और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट मिटे हटे सब पीरा, जो सुमर है हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जो लव है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारे युग में प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसा बर जानकी जी से पाया था, आशीर्वाद करके दिया। एक एक बात को देखो, ध्यान दो कैसा बढ़े। तुम्हारी बात विभीषण ने मानी, लंकेश्वर हो गए। कहे थे रावण दत्त, निकाल दिया था लात मार के। रावण राम जी की वो बताई थी महिमा कि वो जानकी को दे दो, बेकार में झगड़ा ना करो। नहीं माना था, लात मार दे, हमारे पास रह कर उनकी बात करते हो। तो क्या हुआ, वो तो लंकेश्वर हो गए विभीषण। रावण लंकेश होकर भी कहाँ चला गया। एक एक बात देखो, वो रामायण में होगा तो होगा, हमारी भी रामायण। राम रावण सब अंदर ही तो है, मन रावण ही तो है। यदि पत्ते जमाना चाहते हैं, उनकी कृपा से इस वक्त कब्जा किया जा सकता है। बैठ के भी अगर अपने ही मन के सोच रहा हूँ मैं ही ठीक हूँ तो कभी भी ज्ञान नहीं होता है। भले हमें समझ ना आ रही हो, लेकिन है गलती। गुरु का ज्ञान जो चल रहा है वो सही है, हमारी बुद्धि सही नहीं। क्या लाए थे, छपो मन को ही बताओ तुम लाए क्या थे। जब पैदा हुए थे एक कपड़ा लाए थे, एक कपड़ा भी नहीं,
तो अभी तो उससे ज्यादा यहाँ जिसने जिसके द्वारा मिला हमने अपना मान लिया, जो माना हुआ मेरापन है इसे तो हटाना पड़ेगा ना। माना हुआ है मेरापन, सच में तो नहीं। देह भी किसी ने कहा ये तुम्हारी है, तुम हो, ये भी मान्य हुई है, यह वास्तविक थोड़ी ना। गुरु मिलता है तो सत्य की बात बताता है, तो आत्मा हो, देह नहीं हो, ये पंच तत्व की है, तुम्हारी कहाँ से हो? हवा पानी ये सब मिलके बनी, हवा तुम हो क्या? हमें इस शरीर को पानी क्यों चाहिए, खाना क्यों चाहिए? क्योंकि इसी तत्व का बना है, तो बाहर से तत्व डालेगा तब तो वो पूरा होगा, कैसे होगा? इसी से चलेगा, इसके बिना वो चलेगा ही नहीं। तत्वों से बना है तो तत्व चाहिए, इसे जो भी कमी होती है वो सब तत्व प्रकृति से सवेरे के टाइम मिलते हैं, सब विधान बना के भेजा। सुबह अमृत वेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी तत्व की कमी होगी वो सवेरे टहलने जाओगे वो सारे के सारे मिलेंगे, तो उसका टाइम बनाया है 4 से लेके 7 तक 6 तक। इसके अंदर आप जाएंगे बाहर टहलेंगे तो आपको तत्व मिलेंगे। 4 बजे 5 बजे तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया लगता है। बरसाए जब प्रकृति से बनी है, बनाया है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही वो चीज मिलेगी, जो जिसकी जरूरत होगी वो अपना चली जाएगी उसके अंदर, सब सब चीज बरसाई जाती, बरसती। अमृत बेला इसलिए कहा है, हम लोग ये अमृत बेला समझते ही नहीं, हमारा मन हमें समझने नहीं देता। वो अमृत बेला क्या चीज है? कोई अमृत टपकेगा जो हम खाएंगे ऐसा समझते। शरीर में वो सब सब विटामिन मिल जाते जो हमें गोलियों के रूप में नहीं खाने पड़ेंगे, सारा कुछ मिलता। जब शरीर को तो कमजोर बना दिया है ना, दिया ही नहीं तो कैसे वो सूखता जाता है। फिर मन भी ऐसा ही, मन भी उसके साथ मिल गया, मन भी सूखता जाता है, शरीर को सुखाता है, चिंता कराता है, गलाता जलाता है, मेरा 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 मेरा, भगवान का करके करने को क्या, करने को मना थोड़ी ना, भगवान का दिया है, भगवान का है, रक्षा करनी है। अभी आसक्त हो गए हो इसलिए उसको उल्टा कर देते, आसक्त हो गए मेरेपन में, मन आसक्त हो गया है, पर्दा आ गया, पर्दा को हटाया जाएगा, मन से पर्दा हटाना है। भगवान पे पर्दा नहीं, मन पे पर्दा है। हमारी आंख खराब है, जगत तो बिल्कुल सुंदर है, एक को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, बच्चों को कितना साफ दिखाई देता है, जवानों को कितना साफ दिखाई देता है, बुढ़ों की आंख में क्या हो गया, पर्दा आ गया, तो उन्हें ऐसे कम कम दिखाई देता है। क्या जगत में खराबी या हमारी आंख में खराबी? ऐसे ही परमात्मा तो कण कण में है, हमारी आंख खराब हमें दिखाई नहीं देता, अंधा है मन, अंधा है मन ने अंधा कर दिया, मन अंधा हो ही चुका है। अब इसकी बात मान चलोगे तो गड्ढे में गिराएगा, गुरु की बात मान के उसे सही सही तो मान लो, दवा खा लो, हजम तो कर लो, फिर वो करवा लेगा। सही तो मानो, हम न कर पाए बात दूसरे, तुम्हें कराओगे, कर सकते नहीं तुम्हें कराओगे, फायदा होगा तो फिर कहाँ जाओगे, अपने आप करेगा, फिर का किसी के सुनेगा ही नहीं। जो काम जैसे करना होता किसी की सुनता है, चाहे छिप के कर ले चाहे जैसे कर ले, कर ही लेता, खराब से खराब काम भी कर लेते, लेकिन उससे किसका नुकसान है? बड़ों की बात मान के चले तो अच्छी बात होती है ना। तो ऐसे गुरु का ज्ञान तो सबसे बड़ा, सब सारी दुनिया सारी माया के ऊपर है वो, ये देह के धर्म बताएंगे, वो परमात्मा आत्मा परमात्मा का धर्म बताता है, ऊंची बात है, जिससे आप सच्चा सुख पाओ, मुक्ति मिल जाएगी, सुख दुख लावाने राग द्वेष काम क्रोध सबसे मुक्ति मिल जाएगी। उपराम हो जाओ, काम क्रोध लोभ मोह इस पे कब्जा आपका हो जाए, नहीं तो ये अपने कब्जे में हमको रख के सारा काम कराया करते, मेरी शक्ति लेके हमें को दुखी कर, मेरी शक्ति से मेरे को दुखी कर,
कह रहे हैं बच्चे उठाए वो बोले वो करते हैं क्या बना देते हैं उन्हें। ऐसे ही ये एक माया भी है लेके क्या बना देती है, गुरु लेके क्या बना देता, वो क्या बना देगा सबको, इतना बढ़िया बना देगा। ये आसुरी विद्या है, ये सब संसार की विद्या आसुरी विद्या है, सच्ची विद्या नहीं। आत्मज्ञान सच्ची विद्या, सच के रास्ते पर ले जाती है, आत्मा का अनुभव कराती है, सच्चे सुख में पहुंचाती है। ये तो बाहर फंसाती है, धन दौलत पदार्थ में फंसा देती है, इसी का महत्व हो जाता है। इसी में तो दुखी है और काहे से दुखी, मेरा 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 मेरा, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम ज्ञान सुन रहे हैं, संभाल लिया है बस इतना ही बहुत है। उन्होंने संभाल लिया है क्या, कम है, परमात्मा ने कितने बना दिए हैं, इस रास्ते में क्या नुकसान हुआ है, इतने लोग बना दिए हैं एक दूसरे के हित, इससे कोई बोझा भी नहीं डालते हैं कि हम तुम्हारा कर रहे हैं, तो अपने लिए करते हैं, मुझे सेवा मिली, अपना ही काम संवारते हैं, चाहे हम हों चाहे तुम, ये भी सेवा है, ज्ञान की भी सेवा है। शरीर से और तरह के वो भी सेवा है, सेवा भाव में रहते हैं, अहंकार में यहाँ से हटाया जाता है, अहंकार हटा के सेवा हटा, सब सेवा ही सेवा, सेवा तन से सेवा, मन भी तो सेवक बना दो, मन में तो मैं सेवा करता हूँ, उसके कृपा से हो जाता है, कुछ कर सकते हैं सब। झूठे धन का, झूठे भगवान का मिल दिया धन, भगवान की दी शक्ति, मन कहेगा हमारी 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 बनाए, हर चीज अपनी बना कर आसक्त हो जाती। दिया गया था इतने में अगर आपने काम कर लिया, सही काम कर लिया, तो आप सारे जग के वो हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाए। हम इतने से दायरे में काम कहाँ करते, काम क्रोध लोभ मोह के घेरते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, कर्तव्य पालन कहाँ करते, लड़ाई झगड़ा करते, इतना सा दिया था इतने में तुम कर ले जाओ, एक गृहस्थ में तुम ऐसे निभा ले जाओ प्यार से, निभा नहीं पाए इसीलिए तो ध्यान में आना पड़ा, तूने जो किया तो फिर अब ये चाहिए, उसके बदले चाहिए, नाम चाहिए, नाम के लिए थोड़ी ना भगवान, इसने ऐसा किया तो हम बदला ले लेंगे, बदला तुम ले रहे हो तो पुलिस क्या करेगी, जब दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई कर ली, बदले ले लिए, तो पुलिस क्या करेगी, अगर एक मारता दूसरा जाके बस वहां कह देता तो उसका एक को दंड मिलता है, बच जाता, दोनों ही लड़ लिए तो पुलिस तो फिर क्या करेगी, दोनों को दंड देगी, पहल चाहे जिसकी हुई हो देगी तो दोनों, तुम खुद ही बदला ले लिया तो परमात्मा क्या करे, पुलिस क्या करे, दोनों को कर देगी। ऐसे हम दूसरे ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करें, बदला ले लें, हम भी बदला ले लें, हम भी बदला ले लें, तुम बदला ले लेते हो तो भगवान क्या करे, तुम शांत रहो, अपना मन बनाओ, देखो भगवान क्या देता है क्या करता है, भगवत भाव डालो, भगवान 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 भगवान, नाम रूप डाल के यहाँ बैठे बैठे वहां खराबी डाल रहे, कैसे होगा, भगवत भाव डालो, शुद्ध करो, पवित्र करो, इंद्रियों से तो वही आएगा जैसा आ रहा है, तो इसे गुरु से ज्ञान लिया हम लोगों ने, तो हम पवित्र करना जानते हैं ना, कि हाँ भगवत भाव डालो, भगवत भाव डालो, भगवत भाव डालो, यहीं से भगवत भाव, भगवत भाव, भगवत भाव, भगवत भाव,
मिनट मिनट बताते हैं, कहते जाओ दवा में भगवत भाव डालो, डॉक्टर में भगवत भाव डालो, नर्सों में जो भी हो सामने है सब में भगवत भाव डालो। क्रिया में तो आप बोल लिए कर लिए सब हो ही गया, अब तो भगवत भाव डालो, दूर बैठे तो भगवत भाव डालो। भाव से ही सब शांति होती है, क्रिया से शांति नहीं होती। क्रिया बड़ी अच्छी कर दी, भाव में हम गंदगी लिए बैठे हैं तो उस कभी भी दूसरे को आराम नहीं आएगा। भाव अच्छा होगा, क्रिया थोड़ी गलत भी हो गई तो उसका असर नहीं होगा, भाव ही अच्छा नहीं बनाते। भाव दाम भाव, और क्या भाव है सोना, क्या भाव है चांदी, उसका भाव तो जानो। ये सब्जी के भाव चांदी सोना को बेच रहे हो, सब्जी भी चार तरीके की होगी, इसका भाव ये इसका भाव का, इतने इतने भाव मिल रही, और हमने देखा हमने जाने नहीं किस चीज का इतने, ये सब्जी का ये भाव थोड़ी ना, ये तो गली सड़ी है, इसका तो कम होगा, ये इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, टॉप की भी होती है, ये पहचान है। नजर में कहा किसी से ये भी सीखना पड़ता है, पहचान करना सीखना पड़ता है, आत्मा का ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा, बिना सीखे हो जाएगा। क्या भाव देते हो सत्संग में, कितना भाव लगाते हो सत्संग की, कितनी कीमत लगाई, माया ही को भाव दे रहे हो, आगे किए चल रहे हो। क्या उसको अच्छा दे दिया, उसने भाव कितना लगाया, उसने दाम दिए, एक दूसरे से जो जैसा भाव जगाए वो वैसा फल पाए, तो करे कृपा की छाया बिगड़े का सवाल, तेरा प्यार खींच कर लाया। अगर हित के लिए न होता तो ना आते दोबारा, गाली मिलने पे उल्टा मिलने पे हर तरह से अपमानित जैसा होता है तो अपमान जैसा लगता है, फिर आता है क्योंकि हित के लिए, सच्चे सुख के लिए। ये तो माया का नाश हो रहा है, अहंकार का नाश है, मेरे को कहाँ नीचा किया गया, मन को नीचा किया गया, हमारे को तो ऊपर उठाया गया, बचाया गया। आज तक मन का ही सारा हो रहा था, देह का ही बढ़ाया जा रहा था, अब मेरी शुद्धता हो रही, मेरी शक्ति का पता लग रहा, मुझे मेरी शक्ति, मुझे मेरी मस्ती कहाँ खींच लाई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ये कुछ और है, संसार में कुछ और है, हम उस संसार की तरह इसको भी नापते तौलते, उस बुद्धि से तौल रहे हो गुरु को, जो टूट फूट जाएगी, छोटी सी तराजू तौलने वाली, सब्जी तौलने वाली सब तराजू से तुम सिलेंडर को तौलो तो वो कहाँ रखने को, थोड़ी और बड़ी तराजू है सिलेंडर, उसमें रखो देखो तौल पाओगे, टूट जाएगा उसका ये सब नापने वाली सब ये डोरी ओरी सब टूट जाएगी। ऐसे ही हमारे चित्त की डोरी सब टूटी पड़ी, सब खराब, उसे तौल नहीं सकते, उसे नाप नहीं सकते, उसे आंक नहीं सकते, उसके कर्मों को देख के उसको बिल्कुल तुम नहीं समझ सकते। बुद्धि अर्पित ही कर दो सबसे बड़ी है, वचन को पकड़ लो,
यही रस्सी है पकड़ के चढ़ जाते, गिरे हुए गड्ढे में, मोह ममता के गड्ढे में गिरे हुए वचन को पकड़ के निकल पाओगे। गड्ढे में गिरा हुआ, खाई में गिरा हुआ भक्त को रस्सी डाली जाती, कोई खाई में उतरता नहीं, उसको खींचता है डोरी डालकर। ऐसे ही है मोह ममता में गिरी हुई वृत्ति, जीव डूबा पड़ा है, उसे कैसे वचन के द्वारा ही खींचा जाएगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु के, उसका डूबा कभी ना जाए। कर्म करे और फल ना भोगे ऐसा कभी ना, बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी ना हो सकता, बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे ऐसा कभी ना हो सकता, कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है, जिसने जानी है महिमा गुरु, उसका डूबा कभी न जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। दीप जले और तम ना भागे ऐसा कभी ना हो सकता, दीप जले और तम ना भागे ऐसा कभी ना हो सकता, ज्ञान सुने अविवेक ऐसा कभी ना हो सकता। सुनते नहीं ध्यान से, अगर ज्ञान सुनो अविवेक न जागे ऐसा नहीं हो सकता, सुनते नहीं ध्यान से तो कहाँ से जागे। हम एक को लेके कहें है सबके लिए, हमारे मन के लिए भी वही, तुम्हारे मन के लिए। ज्ञान सुने अविवेक न जागे ऐसा कभी न हो सकता। फिर जहान है उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए।
दिया तू जब तक जलाए तब तक प्रभु ना मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए तब तक प्रभु ना मिल सकता। अंतःकरण यदि शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण यदि शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले उसमें ज्ञान का दीपक जला ले। जिसने जानी है मन मांगी उसका डूबा कभी ना जज है। गुरु वचन रखना संभाल के एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है मन मांगी उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी ना हो सकता। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना हर सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना हर सकता। अब तो हर पल ये होता आभास है गुरु रहता सदा मेरे सास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जाए। अब तो हर पल ये होता आभास है गुरु रहता सदा मेरे पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जाए। देख के मैं लगाऊंगे तो कभी भी ज्ञान नहीं पर देख के मैं लगाई तभी तो मेरा हुआ। मेरा धन मेरा पदार्थ मेरा रुपया कहाँ से लाए थे रुपये? यहाँ किसी ने कह दिया ऐसा हक जमा लिया मेरा पति का मेरा इसका मेरा भगवान नहीं सब है मेरा। ये भगवान मेरा नहीं बन सकता। भगवान का है भगवान जब दे रहा है तो ठीक है ऐसा हो गया तो भी ठीक है वैसा हुआ तो भी ठीक है। इसका इस्तेमाल सही करो अपनी आसक्तियों में न खर्च करो। जरूरत पे खर्च करो किसी भी सत्संग की जरूरत हो सत्संगी को जरूरत हो उसमें घर में जरूरत हो तो उसमें अपनी आसक्ति में अपना कपड़ा खरीदने में अपना श्रृंगार में वो नहीं खरीद तो भगवान अपने आप देगा। दे तो दे दे न दे तो तुम कहे पैसा खर्च करो अपना हमें कुछ नहीं करना हमें चाहिए बस भगवान अपने आप करेगा। उसे 100 दफा गरज होगी। माँ बाप को गरज होती है ना बच्चे को कैसे करते हैं? माँ बाप को खुद ही इतना प्यार है बच्चों के प्रति सब कुछ करते हैं फिर भी बच्चे शिकायत करते रहते हैं तो ऐसे कौन अगर डांट पर लगाते हैं कुछ ऐसा मना करते हैं वो भी तो मानना चाहिए बच्चों को। हित के लिए करते हैं
उसमें बाधा डालो, उसमें तकरार करो, ये अच्छा नहीं होता। हमारे कल्याण के लेने सत्संग में भी जाते हैं तो हमारे ऐसा ज्ञान लेके आएंगे, फिर हमको डांटेंगे नहीं, नहीं तो दिन भर डांटते रहेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कहाँ काबू करें, कैसे करें, बिना सत्संग मन को काबू कैसे करेंगे। अपने ही लिए तो गया सत्संग में जाते हैं, तो अपने गृहस्थ के लिए ही तो मन बनाने के लिए जाते हैं। गुरु के ऊपर क्या एहसान किया, किसी के ऊपर क्या एहसान है, अपना मन ही बनाने तो जाते हो, गृहस्थ में प्रेम से रह सकते। हम तो यही समझते थे, हम तो अपने लिए जाते, गृहस्थ वाले कहे कि चली जाती थे, हम कहते थे हम इसीलिए तो जाते हैं, तुम्हारे लिए तो जाते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हम तुमसे लड़ाई करेगा मन, वहां जाएंगे तो मन बनाना आएगा, मन मोड़ने की शक्ति आएगी। तो हम तो अपने स्वार्थ के लिए जाते, अपनी गृहस्थी के लिए सुख शांति से रहे इसलिए हम जाते, कम से कम हम तो अपना मन बना के, अपने मन से दुखी होते थे, दूसरे से थोड़ी कोई दुखी होता, अपने मन से होते। उस मन को काबू करने के लिए तो हमें गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। कौन मन के ऊपर अंकुश रख सकता है, कोई है ऐसा? इतने दिन तो तुम सबने रखा है ना, घर वाले इतना अंकुश रखते, कौन रहता है अंकुश में? गुरु के प्यार ने ऐसा शक्ति दे दी हमारे को, मन मोड़ने की शक्ति, गुरु के ज्ञान ने ऐसा प्यार सिखाया। अपने लिए आए हैं कि हम दूसरे के लिए जाते, अभी अपने लिए हम ये कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं? महिमा किसकी हो रही, गुरु की हो रही ना, गुरु ज्ञान की, ज्ञान की महिमा है। इस ज्ञान से कितना मन को संभालना आया, कितना सुधारना आया, बुराई निकालो सबके मन। निकालनी पड़ेगी, ये भी एक वो है, माया है, माया। संकल्प अच्छा करो, है उसमें, है पड़ा है, हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा, वही वही मिल जाएगा सर। सब अच्छा। सत्संग में आते हैं अपने को बताना भी चाहिए घर में कि हम अपने मन को ही, नहीं तो देखो झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बच्चों ही को डांट रहा है, क्योंकि हम डांटना चाहते हैं, मन पे काबू नहीं है। मन के ऊपर कौन ऐसे है जो अंकुश लगाएगा? गुरु का डर, गुरु का प्यार, गुरु का प्यार, गुरु का डर, नजर हट जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो गुरु की नजर हटेगी। नजर का होना चाहिए, नजर पाने के लिए करते हैं हम तो, नजर पाने के लिए करते थे। गुरु की नजर हट जाए तो हमारा, चाहे चाहे हम सच भी हैं, और गुरु की नजर हट गई तो हमारा नुकसान होता था, चाहे हम बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी ठीक होने का अहंकार है। हम बिल्कुल ठीक हैं, ठीक होने का अहंकार, तुम ठीक हो, तुम क्या हो, देह में रह के मैं देह के मैं से ठीक है, वैसे थोड़ा जो हो रहा है वो सब ठीक है, ऐसे राजा में राजी हो, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सोच हमारी है खराब, उस सोच को ठीक करो, दुनिया में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अच्छा मानने के लिए ही तो हमें नजर लेनी पड़ती, शक्ति लेनी पड़ती, बस इसमें हमारी भलाई क्या है ये निकालो,
इसमें क्या भलाई है, इस अवस्था में मेरी क्या भलाई है, ये निकाल। कर्म करने के बाद फिर भलाई निकालो, गलती भी समझ में आ जाएगी, भलाई भी समझ में आएगी। ये गलती हम उसमें नुकसान निकाल रहे थे, संकल्प ही गलत कर लिया था, संकल्प ही गलत है। मैं और मेरा, तू और तेरा का संकल्प करो, भगवान है भगवान का सब। मेरापन हटाना पड़ेगा, तू और तेरा, तू जाने तेरा काम जगत के सामने हो अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांग, जो मांगो वो स्थिर नहीं, उसी में दुख निकल आएगा, जो मांगो वो उसी में दुख निकल आएगा। जो देना चाहो दे दे, जो भी देना चाहे दे दे, करता तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार, दुनिया के तारनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी लेना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार, दुनिया के तारन। हमको दोनों है पसंद तेरी दो प्यार शाम, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे दुनिया लगा दे पार, चाहे डूबे मजेदार, चाहे नैया लगा दे पार, चाहे डूबे मजेदार, जो भी देना चाहे दे दे, करतार दुनिया के पालनहार, दुनिया के तारनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, करतार दुनिया के पालनहार, दुनिया के तारनहार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखे वैसे रहना, तो वैसे भी पड़ता लेकिन शिकायत कर करके रहना पड़ता, अब रजा में रह जाओ। मालिक जैसे भी रखे वैसे रह लेंगे हम, चाहे जैसे भी रखे वैसे रह लेंगे हम, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार, दुनिया के तारनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार, दुनिया के तारनहार। खुमे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छे, वहाँ बात हो गई, अब यहाँ तो बहुत भाव डालो, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। हमारी बुद्धि डरा रही है, कहीं ऐसा ना कर दे, कहीं ऐसा ना कर, बुद्धि डरा, बुद्धि बुद्धि इधर भी डराती है, तो बुद्धि की बात नहीं मानते, गुरु की बात मान के अपनी बुद्धि को सम अर्पित कर देते,
बुद्धि तो सब जगह है, ऐसे ही मायावी बुद्धि तो ऐसे ही करेगी, डराएगी, गलत संकल्प बनवाएगी। इसी को तो जीतना, कैसे जीतोगे? वो शक्ति वो नजर उससे लेनी पड़ती है, बस पी जाओ उसका सत्य सत्य करके। ना समझ में आ रहा, बात सही हमारी समझ में नहीं आ रही, हम नहीं कर पा रहे, तो प्रभु शक्ति दो, प्रार्थना करो कि अपने हाथ में हो। जो करते आ रहे थे पहले अज्ञान में, आज भी वही करवा रहा है। मन मन पे काबू किया ना, मनमति से ही चल रहा है, गुरुमति से नहीं चल रहा है मन। गुरु से के उससे ज्ञान से ही सोच बदलनी पड़ती है, सब कुछ कर बदलना पड़ता, कहीं कुछ नहीं, आप हैं अकेले, वही है, वही वही है, कहीं कुछ नहीं, बाहर की नजर है, अनेकता दिखाती।